कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, बिहार चुनाव को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान। अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर होने वाली बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर लग सकती है मुहर। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मीटिंग, सुबह 9 बजे से जारी है पार्टी की बैठक, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है पार्टी। पीएम मोदी आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन, सामाजिक बदलाव समेत स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और स्मार्ट मोबिलिटी के बारे में बात करेंगे पीएम। कार्यक्रम में दुनिया भर के विशेषज्ञ विचारों का करेंगे आदान प्रदान। नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए सत्र बुलाने की तैयारी में कांग्रेस शासित राज्य, कानूनों को वापस लेने की मांग पर विपक्षी दल एक साथ, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी की सरकारों ने खोला मोर्चा। आज होगी जीएसटी परिषद की बैठक, जीएसटी बैठक में हंगामेदार रहने के आसार, कर्ज के विकल्प का विरोध करेंगे विपक्षी राज्य, पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल समेत कई कर सकते हैं विरोध। मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले कांग्रेस का हल्ला बोल जारी, रेप की घटनाओं के खिलाफ आज कांग्रेस का मौन धरना प्रदर्शन, कमलनाथ बोले बीजेपी शासित राज्यों में बेटियां सुरक्षित नहीं। हाथरस कांड में पीड़िता को लेकर 2 मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल लीगल निरीक्षण में गुप्तांग में कंप्लीट पेनिट्रेशन का जिक्र, फाइनल ओपिनियन में इंटरकोर्स की संभावना को किया गया खारिज। वायु प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का अभियान आज से होगा शुरू, केजरीवाल करेंगे अभियान की शुरुआत, बैठक में परिवहन विकास पीडब्ल्यूडी अधिकारी रहेंगे मौजूद। राफेल नडाल लगातार 14वीं बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा को दी मात, नडाल ने कोर्डा को 6-1, 6-1, 6-2 से हराया। महाराष्ट्र में जनता को आज से मिलेगी राहत, प्रदेश में आज से खुलेंगे रेस्टोरेंट, उद्धव सरकार ने जारी की गाइडलाइन, लोगों को महामारी के नियमों का करना होगा पालन। भारत को घेरने के लिए बांग्लादेश को फांस रहा चीन, जिनपिंग बोले बढ़ाएंगे रणनीतिक साझेदारी, दोनों देशों में राजनयिक संबंधों के 45 साल पूरे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर निशाने पर व्हाइट हाउस, अधिकारियों ने कबूला सच, कहा जितना बताया गया उससे ज्यादा खराब थी ट्रंप की हालत। अमेरिका में मिला इंसान के आकार का मकड़ी का जाल, देखने के लिए बड़े बड़े पैमाने पर पहुंचे स्थानीय लोग, जनता के दिल में बैठी दहशत। नवाज शरीफ ने पीएम मोदी के साथ नेपाल में की थी गुप्त मीटिंग, पीएम इमरान खान के करीबी ने लगाया आरोप, नवाज शरीफ को भारत का एजेंट तक करार दिया। आर्मेनिया से जंग के बीच अजरबैजान का दावा, गांव पर कर लिया है कब्जा, आर्मेनियाई अधिकारियों ने कहा उनकी सेना ने विरोधी पक्ष को पहुंचाया है भारी नुकसान। धरती का स्वर्ग स्विट्जरलैंड, सैलरी के मामले में विश्व में अव्वल, मिनिमम आवरली वेज कानून को किया गया पेश, हर घंटे के बदले मिलते हैं 1830 रुपए। फेस्टिव सीजन ग्राहकों की होगी बल्ले बल्ले, जियोमार्ट शुरू करेगी ऑनलाइन प्राइस वार, जियोमार्ट पर अमेजोन और फ्लिपकार्ट के मुकाबले सस्ती डील ऑफर की जाएगी। कोरोना काल में करेंसी नोट को सुरक्षित ना समझे, रिजर्व बैंक ने कहा करेंसी नोटों से एक दूसरे के बीच फैल सकता है किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया और वायरस। नेरोलैक को 2 अंकों की वृद्धि का अनुमान, 450 करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य, नेरोलैक ने हाल में अपने परिचालन के 100 वर्ष किए पूरे। और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हरे निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 253 अंक की बढ़त के साथ 38,950 पर खुला और निफ्टी 70 अंक की बढ़त के साथ 11,487 पर खुला।